नमस्ते मेरे चैनल पर। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो भागाकार किस प्रकार किस संख्या से भाग कंसर्न में नंबर को दिया जाता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे पहचानना कि किस नंबर से दी हुई संख्या में भाग जा सकता है या नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट इतनी सारे बहुत सारे टेस्ट है, उनमें से फर्स्ट पार्ट में भी भाग एक में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय टू से भाग देना, किस प्रकार कौन कौन संख्या को दो से भाग जा सकता है। तो ये नंबर दिए हुए हमारे सामने में 0 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, 5000, 16 दिया हुआ है। अब ये इनमें से कितने नंबर को दो से भाग जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल सरल विधि है कि जिस संख्या के एकक प्लेस तो यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्या अगर से पाई जाती है तो उस नंबर को 2 से 100% यानी पूरी तरीके से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 है या 0 को 0 यूनिट प्लेस में है, इसका मतलब 0 को 2 से भाग जाएगा। 20 में यूनिट प्लेस में है आपका 0, इसका मतलब 20 को भी 2 से भाग जाएगा। अपनी डेफिनेशन करती है कि इकाई में हमारे 0 यानी 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए। तो 101 है, इसमें इकाई में 1 है, इसलिए 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 2000 या संख्या में इकाई में 0 है, 0 है, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 5016 हम कहें इसमें इकाई में 6 है, इसका मतलब 5016 में भी 2 का भाग जाएगा। तो अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का उपयोग हमारे मैथमेटिक्स में बहुत जगह होता है। फिर उसके बाद